Hello everyone, welcome back to my channel IELTS 9. In this video I'm going to tell you about prediction video. देखिए गाइस, जनवरी 2023 को जो आइल्स का एग्ज़ाम है उसके बारे में प्रेडिक्शन कर रही हूँ. एज़ यू नो, जनवरी में एग्जामिनेशन देना सबसे टफेस्ट माना जाता है. क्यों होता है? क्योंकि जनवरी में जो क्यू कार्ड्स चेंज होते हैं, रीडिंग का पैटर्न चेंज होता है, एज़ वेल एज़ लिसनिंग में मैप वगैरह का, डायग्राम वगैरह का जो भी आना होता है उसका भी पैटर्न चेंज होता है. आने वाली वीडियोस में मैं आप लोग साथ सब कुछ जो पैटर्न चेंज हो रहा है उससे रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगी. बट इस वीडियो में मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि अगर आपने जनवरी को एग्जाम फिल करना है देन प्लीज 7 जनवरी को बिल्कुल भी एग्जाम फिल मत कीजिएगा. ऐसे क्यों मैं बोल रही हूँ? बिकॉज स्पीकिंग अगर आपकी डाउन है तो ये एग्ज़ाम बिल्कुल मत फिल कीजिएगा. 7 जनवरी को स्पीकिंग के क्यू कार्ड्स नहीं आएंगे. जो ऑफिशियल पीडीएफ होता है, मकर आयल्स पीडीएफ होता है, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 जनवरी के बाद ही वे अपना जो पीडीएफ है वो इंस्टा वगैरह पे पोस्ट करते हैं. तो 7 जनवरी को अगर आपकी स्पीकिंग अच्छी है देन डोंट वरी, बट ज़्यादा कोई गैप नहीं है, आप 14 को कर सकते हैं. बट स्टिल अगर आपको एग्जामिनेशन देना सबसे बेस्ट डेट रहेगी 19. देखिए 7 जनवरी के लिसनिंग में पैटर्न चेंज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अब जो नवंबर दिसंबर में लिसनिंग होने वाली है वो स्पीड वाली होने वाली है, और जनवरी में भी स्पीड अब से जो लिसनिंग है वो स्पीड में आया करेगी. और रीडिंग है जो उसमें जो आजकल काफ़ी मॉडरेट सी रीडिंग चल रही थी, तो रीडिंग का पैटर्न जो थोड़ा इजी आएगा. बट स्टिल 7 जनवरी के एग्ज़ाम में रीडिंग नहीं इजी आने वाली है, क्योंकि रीडिंग में लार्ज एमसीक्यूज आने के चांसेस है, एज वेल एज गाइस फिलिंग द ब्लैंक्स और समरी कंप्लीटेशन वाले आने वाले हैं, और साथ ही लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जिसमें आपको मोर देन वंस वाला आ सकता है. तो इस तरह से ट्रिकी पैटर्न रहेगा. सो प्लीज़ 7 को अवॉइड कीजिए, 14 को आप फिल कर सकते हैं. 14 को एमसीक्यूज जो है लिसनिंग और रीडिंग दोनों में लेस आने के चांसेस है. बट स्टिल दिस इज़ जस्ट प्रेडिक्शन वीडियो, और जो लास्ट मिनट वीडियो होगी वो भी मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी. बट सबसे सेफ डेट रहेगी 19, क्योंकि 19 नवंबर का एग्ज़ाम था, वो भी अच्छा मॉडरेट नहीं आया था, इजी से ठीक आया था. तो देखिए यहाँ पे 19 इसलिए क्योंकि मिड का मंथ होगा, आपको दो एग्जामिनेशन से पता चल जाएगा कि रीडिंग लिसनिंग का लेवल कैसा होगा, और साथ ही में जो स्पीकिंग के क्यू कार्ड्स है उसका ट्रेंड भी पता चल जाएगा. एंड 28 जनवरी लास्ट एग्जामिनेशन होता है. नो वन कैन प्रेडिक्ट अबाउट लास्ट एग्जामिनेशन. सो लास्ट एग्जामिनेशन में फिल करना, सेफ जोन में रहना नहीं होगा. अदरवाइज आप तो फेब्रुअरी में ही जाइए, लास्ट डेट मत फिल कीजिएगा, बिकॉज लास्ट में जो है कंसिडर किया जाता है इसे कि एक टफ एग्जाम माना जाता है. सो मेक श्योर कि 19 जनवरी को आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसमें स्पीकिंग के क्यू कार्ड से भी आप वाकिफ हो जाएंगे, एज वेल एज गाइज आपको न्यू जो ट्रेंड आ रहा है रीडिंग का लिसनिंग का उसके बारे में आपको दो एग्जामिनेशन से पता चल जाएगा. होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर वीडियो को शेयर कीजिए, एंड गाइज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर राइटिंग टास्क 2 से रिलेटेड मटेरियल मैं आप लोग साथ प्रोवाइड करूंगी. सो थैंक यू सो मच वीडियो का अंत तक देखने के लिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट हु हैव देयर एग्जामिनेशन ऑन नेक्स्ट मंथ.